हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर. 1 मीटर पे इलेक्ट्रॉन रखा है और 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. किसके सामने? लार्ज चार्ज शीट है, ये इनफाइनाइट है दोनों साइड, और चार्ज शीट की डेंसिटी कितना है? सिग्मा. फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा सच दैट इलेक्ट्रॉन हिट्स द चार्ज शीट इन 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड. Now, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इट इज नॉट गिवन, बट इट इज यू हु हैज टू थिंक अबाउट इट. इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मैंने थोड़ी देर पहले खींचा था, ये गिवन नहीं है. ठीक है, ये मान लो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पे कोई फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? कुछ नहीं. सिग्मा अगर जीरो होगा तब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट कर देगा 1 मीटर पे. क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड से. एक सेकंड में कितना चलेगा? 1 मीटर, और 1 सेकंड में ही तो हिट करना है. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये नहीं हो सकती, इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू दिस. और आपको निकालना है कि कितना सिग्मा मैक्स होना चाहिए कि अब जाके इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. दैट मींस एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? यहाँ पे इस डायरेक्शन में. वेलोसिटी इसका किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में. दैट इज वाई इट विल टेक सम टाइम टू हिट द चार्ज शीट. ठीक है, तो करते हैं सिंपल वेक्टर फॉर्मूला लगा लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन ऑफ मोशन, u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर. ठीक है, वेक्टर एक्सीलरेशन वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक यहां से यहां तक का? 1 मीटर. वेलोसिटी कितना है? अगर एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, तो u वाला कितना होगा? -1 मीटर पर सेकेंड इंटू कितना टाइम लेना चाहिए? 1 प्लस हाफ एक्सीलरेशन इंटू टाइम कितना लग रहा है? 1. ठीक है, तो कितना आ गया ये? 2 इक्वल टू a/2. एक्सीलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब ये एक्सीलरेशन आप निकालो, इस पे कितना एक्सीलरेशन लग रहा होगा? फोर्स अपॉन मास. फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास. देखो वेक्टर में अब इसको मत रख देना कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू माइनस और फिर वेक्टर लगा के. वेक्टर में ऑलरेडी रख चुके हो, एक ही डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान लिया है पहले से ही. ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं. यहां पे 4 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ई. कैपिटल ई की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना लग रहा होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ऑल राइट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम. राइट, 4. ई की वैल्यू कितना दिया है? दिया नहीं है, पता होना चाहिए. -19 कूलम इंटू सिग्मा दिया है. सिग्मा निकालना है आपको, यही सिग्मा मैक्स होगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. ये दिया है 9 × 10⁻¹². इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गिवन, 10⁻³१. तो यहां से सिग्मा की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा बताओ? 9 × 9 × 2 81 × 4 × 8 अपॉन 1.6 × 10⁻²⁴. ये वाला पावर सॉल्व करोगे तो 10⁻²⁴ आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 4.05 × 10⁻²⁴. ये बेसिकली 405 आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर. राइट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला. आप करके देख लेना. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू सब्सक्राइब टू द चैनल.